नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर हो रही राजनीति पर। पीएम मोदी का आज दिल्ली में करीब 500 मीटर का रोड शो हुआ। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद दिल्ली में पीएम मोदी पहली बार रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से घबरा गई, इसलिए पीएम मोदी दिल्ली में घंटे भर का इवेंट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को इवेंट और राहुल की यात्रा को मूवमेंट बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि भारत को सशक्त बनाने के मूवमेंट में देश की जनता का विशाल जनादेश उनके साथ है। वैसे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन 6 थीम्स पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, उनमें एक थीम सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर समावेशी विकास का भी रखा गया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी थीम पर यात्रा कर रही है कि भारत टूट गया है, नफरत बढ़ गई है और उसे मिटाना है, भारत को जोड़ना है। और कांग्रेस की ये पूरी सियासत भी रोड पर ही हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रोड शो इन दिनों राजनीति का नया ट्रेंड बन गया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो किया गया? क्या आज के रोड शो के साथ ही बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज कर दिया है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ तो लुटियंस दिल्ली का बड़ा हिस्सा हलचल से भर गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। पीएम मोदी की एक झलक पाकर दिल्ली वालों का उत्साह आसमान पर था। पटेल चौक से संसद मार्ग तक पीएम मोदी का ये रोड शो ऐसे मौके पर आयोजित हुआ था जब दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। गुजरात में जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ चुनावी जीत और 50 किलोमीटर के रोड शो की बेमिसाल कामयाबी के बाद दिल्ली में पीएम मोदी का ये रोड शो दिल्ली में आयोजित किया गया, लेकिन इस रोड शो पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी की 3 महीने से अधिक वक्त से चल रही भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से परेशान सरकार ने दिल्ली में 2-3 घंटे के रोड शो का आयोजन कर दिया है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय है। ये कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल मिल करके खुश हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोकलाए हुए हैं। एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। गुजरात में 156 सीट की रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में हो रहे कार्यकारिणी की थीम्स पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के प्लान का अंदाजा लगता है। बीजेपी ने जो 6 थीम तय की है उसमें सुशासन प्रथम एक थीम है, दूसरी है सेवा संगठन और समर्पण, तीसरी है समावेशी और सशक्त भारत, चौथी है संस्कृति की संवाहक, पांचवी है विश्व गुरु भारत और छठी है विपक्षी राज्यों में संघर्ष। जैसी थीम्स की झलकियां दिखाई गई हैं, इसमें पता चलता है कि आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के महासमर के लिए बीजेपी किन कामयाबियों को लेकर आगे बढ़ने वाली है। खबर है कि गुजरात के बाद बीजेपी अब 2024 में 405 सीटों से जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। हालांकि विपक्षी दलों के लिए किसान, नौजवान, बेरोजगार और अर्थव्यवस्था से लेकर असुरक्षा तक के माहौल के मुद्दे पड़े हैं। कांग्रेस जैसे दल लगातार यही मुद्दे उठा रहे हैं।
सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? विपक्ष के ऐसे मुद्दों से निपटने के मंत्र पर भी बीजेपी इस दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन करने वाली है। इसके अलावा बीजेपी के 350 से ज्यादा की टॉप लीडरशिप 2023 के सेमीफाइनल और 2024 के फाइनल मुकाबले का फॉर्मूला तय करेगी। ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, तारुफ करा दें सबसे पहले मेहमानों से आपका। इस वक्त शलभ मनी त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रवणी त्रिपाठी, ऐसा क्या हुआ? रैलियों में तो हमने रोड शो, जब चुनाव होते हैं तो हमने रोड शो देखा है, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उसमें भी रोड शो, सर बिना मौसम कैसे हो रही है ये बरसात? मुझे लगता है कि अगर लोग बारिश का लुत्फ लेना चाहते हैं और बारिश हो रही है तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग उनसे रूबरू होना चाहते हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने रोड शो किया तो मुझे लगता है कि ये हमारा विषय है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कितना जबरदस्त रहा है, कितना लोगों के भीतर उत्सुकता नजर आई है, किस तरह से उनका स्वागत हुआ है, किस तरह से उनका अभिनंदन हुआ है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, और इस लोकप्रियता का हमें गौरव भी है। हमें इस बात को लेकर हमेशा गर्व की अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता, जिनका पूरी दुनिया में एक तरह से आज एक उनका डंका बोल रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी का गौरव है, हमारी पार्टी के नेता है, और ये गौरव हमें हासिल है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसमें तो आपको कहना चाहिए कि नहीं। आप देखिए, आपने भी कवर किया होगा, आज तक ने भी कवर किया होगा, आप देख रहे होंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह का माहौल था, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को ये इंगित करता है। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि ये माहौल बनाने की जरूरत इसलिए आपको पड़ी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत गजब का माहौल बन गया। अब देखिए, ये तो आप ईमानदारी से आप भी जानती होंगी, कांग्रेस के साथी भी जानते होंगे और देश के लोग भी खूब जानते हैं कि किसको माहौल बनाने की आवश्यकता पड़ती है और किसके जाते ही माहौल बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है संभवतः 22 दलों को चिट्ठी लिखी थी, मनुहार की थी, गुहार लगाई थी कि आ जाइए हमारे साथ, केवल फोटो सेशन में आ जाइए, लेकिन आपने देखा फोटो सेशन में भी आने को लोग तैयार नहीं है। किस तरह से कलाकारों को भाड़े पर बुलाया गया, बहुत सारे कलाकार जो है वो पैसे लेकर आए फोटो सेशन कराने के लिए, किस किस तरह के लोग आए, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ये देश ने 2014 के बाद देखा है, हालांकि गुजरात के माध्यम से देश पहले भी देखता रहा है, लेकिन 2014 के बाद देश के लोगों ने देखा है कि किस तरह से किस नेता के जाते ही माहौल बनता है और किस नेता के लिए माहौल बनाने के लिए पूरी की पूरी एक पीआर एजेंसी लगती है, ट्रक लगते हैं, तमाम सारे लोगों को लगाना पड़ता है। कांग्रेस को ईर्ष्या हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ईर्ष्या के साथ साथ उनको इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि उनके पास वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाला कोई लीडर जो इस तरह से करिश्मा नहीं कर पाता। और हमें एक गौरव जरूर में होना चाहिए कि हमारा एक कार्यकर्ता परंपरा से निकले हुए नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके आने पर लोग इस तरह से जुटते हैं, इस तरह से उनका अभिनंदन होता है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ तो भीड़ अपने आप आ जाती है, ये भारत जोड़ो यात्रा में तो बुलाए गए हैं भीड़, और कुछ लोग तो ऐसे जो राजनेता हैं जिनको निमंत्रण गया, जिनको बुलाया गया, वो तो आए ही नहीं, वो तो पहुंच ही नहीं रहे। ना देखिए, बीजेपी के लोगों का ये कर्तव्य और धर्म बनता है खासतौर से आज की तारीख में कि मोदी जी की चरण वंदना और उनकी स्तुतियां करें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, उनके लिए गौरव की चीज हो सकती है, लेकिन देश के लिए शर्म की बात है कि जो प्रधानमंत्री 9 सालों से इस देश में हैं और वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जो भविष्यवाणी की थी कि अगर पीएम बनेंगे आदरणीय मोदी जी तो देश के लिए डिजास्टर होंगे, वो सही साबित हुआ, देश के लिए डिजास्टर सही साबित हुए। देश को एक नेता की आवश्यकता होती है, हमारे साहब विक्रेता बन के बैठे पड़े हैं, तो विक्रेता नहीं चाहिए इस देश को नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। 2014 के बाद इस देश को सिर्फ पीछे ढकेला गया है अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से, और देखिए कोई
उपलब्धि ठीक है, लेकिन अखिलेश जी करके एक बात बताइए ना, आपने ये कह दिया लेकिन आंकड़े तो इससे इतर है ना, क्योंकि मैं नहीं सर, मैं अब यहाँ पर काउंटर में आंकड़े रखना चाहती हूँ ताकि तस्वीर थोड़ी क्लियर हो जाए। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर 2012 और 13 में सर 4.7%, 2021-22 में 8.30%, अब इसको कैसे देखेंगे। अर्थव्यवस्था विकास दर देख लीजिए आप, 2012-13 में 6.4 और 2021-22 में 8.7। तो सर जीडीपी का आकार अगर आप देखिए, करीब 1,83,000 करोड़ ये यूएसडी और 3.18 लाख करोड़ USD, ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। हालांकि महंगाई दर पर बात हो सकती है क्योंकि 2012-13 में 9.5 और 2021-22 में 5.1, लेकिन आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप अर्थव्यवस्था विकास दर की बात कर रहे हैं, देखिए महंगाई दर भी कम हुई है। तो आप आखिरकार किस बिहाफ पर ये बोल रहे हैं कि देश जो है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि आंकड़े तो इससे इतर बोल रहे हैं सर। आप सुन लीजिए, आपके सारे आंकड़े गलत हैं, कपोल कल्पित हैं, झूठ है। ये देश 8 वर्षों में करीब 90 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है, जीडीपी सबसे कम है, बेरोजगारी दर इसी सरकार ने बताया 40 सालों में सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम में नीचे है। अभी इन्हीं की आए हैं आंकड़े, प्रदेशों के जो आए हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान पे है, 23वें 19वें नंबर पे है विकास दर में, 4% है। पूरे देश की हालत खराब कर रखी है, महंगाई की हालत देख ही रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े नहीं मैं बता रहा हूं, मैं सारे सरकारी आंकड़े बता रहा हूं और सारे आंकड़े मैंने रखे हुए हैं। और देखिए अभी तो जो वर्ल्ड सूचकांक है, मेरी बात आपने पूरी नहीं होनी थी, वर्ल्ड सूचकांक है उसमें सब जगह हिंदुस्तान मोदी जी के आने के बाद पीछे गया है, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो, चाहे पासपोर्ट इंडेक्स हो, चाहे वैश्विक सूचकांक हो, नहीं। अगर मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा देती हूँ सर, वो आपको थोड़ी खुशी दे देगी। स्टेट विकास दर में अगर हम देखें टॉप फाइव राज्य की अगर बात करें तो उसमें देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश विकास दर के हिसाब से, राजस्थान दूसरे नंबर पर, 3 नंबर पर बिहार, तेलंगाना चौथे नंबर पर और दिल्ली जो है वो 5वें नंबर पर। तो शलभमणि त्रिपाठी इस पे सवाल तो कई उठते हैं, बेरोजगारी पर भी देख लीजिए, हरियाणा जो है नंबर 1, दूसरे नंबर पर राजस्थान, 3रे नंबर पर दिल्ली, 4थे नंबर पर बिहार और 5वें नंबर पर झारखंड। शलभमणि त्रिपाठी सवाल तो इस आंकड़े पर भी है, वित्त मंत्रालय का ये आंकड़ा है जिसमें टॉप फाइव जहां आपकी सरकार है वो राज्य है ही नहीं सर। अब देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी को मैं क्या बोलूं, अभी ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि फला प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सीधा सर शलभमणि त्रिपाठी, ये जो आंकड़ा है वो वार और पलटवार बहुत हो जाते हैं सर, लेकिन इस आंकड़े पर जवाब दीजिए ना, टॉप फाइव राज्य है ही नहीं वहां पर विकास दर, जहां आपके आप जहां सत्ता में है वो राज्य है ही नहीं टॉप फाइव सर। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि आप आंकड़े कहां से लेकर आए, वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं, वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं सर। जी जी, अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, सर उत्तर प्रदेश सबसे आखिर में है। ठीक है, मैंने कहा ना आप आंकड़े कहां से लेकर आए, 4.24 आंकड़े हैं अभी जारी हुए हैं, जरा बताइए आंध्र प्रदेश 4.24 जारी किए हैं भैया साहब। चलिए मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अगर बात सुनेंगी तब तो मेरी बात आ पाएगी ना। अगर आप, मैंने कहा अखिलेश जी आपको ये आंकड़ा पसंद आएगा। चलिए देखिए आप ये आंकड़े लगता है अखिलेश प्रताप सिंह जी से आपने व्हाट्सएप ले लिया, वो भी स्टूडियो में बैठे हो, आप लगता है वही से उठा के ले आई है। मैं जो बता रहा हूँ देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर बोलने दीजिए भैया, अखिलेश जी आप बेचैन क्यों जाते हैं, देखिए देखिए ऐसा बेचैन मत होइए, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे लगता है भारत सरकार के आंकड़े हैं हमारे आंकड़े नहीं। बोलने दीजिए अखिलेश जी, वरना मैं मुझे भी रुकना आता है, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की आपने बात की, आपने हरियाणा की बात की, मैं कहता रहा हूँ कि जरा उत्तर प्रदेश में आके देखिए जिस तरह से निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत बना के रखी थी कांग्रेस की हुकूमत ने, क्या हालत बना के रखे थे समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों ने, उत्तर प्रदेश को आज कौन नहीं देख रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आज एक्सप्रेस वे का आगे बढ़ रहा है, विकास दर में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश।
अब मैं कह तो रहा हूँ, चलो मणिपुर पार्टी, आप क्यों आंकड़ों को छुटका रहे हैं, वो आंकड़े जो वित्त मंत्रालय के हैं। चलिए, इस पर मुश्किल है जवाब देना, मैं समझ रहा हूँ आपकी दुविधा, लेकिन दो मेहमान, मैं इस पर आपसे आगे जवाब दे लू, दो मेहमान मेरे पास और है। सर मैं बता रही हूँ वित्त मंत्रालय, आप एक बार चेक कीजिएगा, चलो मणिपुर त्रिपाठी एक बार चेक कर लीजिएगा, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी हुए हैं, और आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने व्हाट्सएप किया है। आप ये बता दीजिए, क्या बीजेपी व्हाट्सएप करती है क्या? लोग गर्व कर रहे हैं, बीजेपी व्हाट्सएप करती है क्या सर आंकड़े? बीजेपी व्हाट्सएप करती है क्या आंकड़े? अगर करती है तो कांग्रेस भी करती होगी। मैंने देखा ना कि मुझे लगा कि आंकड़े आप कहां से लेके आ रही है, पूरा देश देख रहा है। सर मैं आपको बता रही हूँ वित्त मंत्रालय के हैं, आप यकीन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले के जो मैंने आपको आंकड़े बताए वो यकीन कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपके फेवर में थे। यानी हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से आंकड़ों को स्वीकारता है, उनके लिए अच्छा हो तो स्वीकार लो, दूसरे के लिए तो आंकड़े पर ही सवाल उठा दो। ठीक है सर, मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन आशुतोष वर्मा जी से भी लेना चाहती हूँ, संगीत रागी जी से भी लेना चाह रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी, ये प्रधानमंत्री जो आज रोड शो कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं भाई? नहीं अर्पिता जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट समझी जा सकती है। जब आज तक जैसे बड़े चैनल में विकास के बारे में बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखलाएंगे ही, और ये जाहिर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना, इमोशनल फैक्टर्स को बढ़ाना, और इसीलिए ये बात करते हैं, कभी मंदिर ले आते हैं, कभी मस्जिद ले आ जाते हैं, आज रोड शो देख के खुद रोड पे आ गए हैं। ये इसमें बात ही नहीं करेंगे विकास कहाँ हुआ है। रही बात विकास, देखिए मैं एक बार बताऊं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी चला रही हो, चाहे कांग्रेस चला रही हो, जो चीजें पहले थी उससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये भारत के लोगों का पोटेंशियल है। बात ये करनी है कि इस देश में जिस तरीके से धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ा गया है, लेकिन क्योंकि जिस लोगों ने, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इस सरकार से पहले सरकार में कौन था सर? अगर ऐसा होता तो शायद छठवें या इन्होंने बिगाड़ी स्थिति तो ये पहले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था क्या विकास दर में सर, समाजवादी पार्टी की सरकार में, और फिर धीरे धीरे वो पांचवें छठवें पे बीजेपी ने कर दिया, सबसे आखिर में, यानी आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं तो फिर ये बात तो, ये जैसे मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहाँ पे 13 साल रहे, मेट्रो जब वो सांसद नहीं थे वो नहीं रहे, उसके बाद मेट्रो आए, तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह काम नहीं किया? इस तरीके से आरोप लगाना कि कभी किसी ने काम नहीं किया, ये एक अनर्गल तरीका है। सर, मुझे लगता है कि आज के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, क्या देश में आज के हालात इस तरीके से कह रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया, उसी पर मेरा सवाल था सर। सतत प्रक्रिया होती तो उत्तर प्रदेश आज आखिरी स्थिति पे नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड में आखिरी पर नहीं होता विकास उत्तर प्रदेश सर। आज अर्पिता जी, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए, और जो सत्ता से निकल गए आज उनसे बिल्कुल सवाल नहीं पूछना आप चाहिए। आप क्या कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए? संगीत रागी जी, मैं एक जल्दी से रिएक्शन ले लूं, संगीत रागी जी। देखिए मुझे कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए कोई इकोनॉमी यदि आपकी 3.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए, जो इकोनॉमी आपकी पहले 9वें नंबर पे थी दुनिया में वो 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाए, दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आए, आज के दिन में फॉरेन रिजर्व्स जितना जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी उससे दुगनी हो गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे वे बंद पड़े हुए थे लगभग, वे सारे के सारे अपने ऑप्टिमम रफ्तार में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेल की स्थिति हो, चाहे वो रोड की स्थिति हो, जलयान की स्थिति हो, ये इनमें सारे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शनली सबसे ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है, फिर भी लगता है इनको, बाकी कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को लगता है कि भारत सरकार कुछ काम कर नहीं रही। तो थोड़ा सा एक बार और कीजिएगा कि कोई इकोनॉमी 9वें नंबर से 5वें नंबर पर एक से नहीं हो जाती है यदि अर्थव्यवस्था सुस्ती में रहती। तो दूसरी बात, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं यदि आप उनका इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो आज के दिन में डबल डिजिट्स में है, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था आप काउंट कर लीजिए। कर्ज की बात कीजिए तो अमेरिका पर तो सबसे ज्यादा कर्ज है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कर्ज कितना लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कर्ज लेकर उसे प्रयोग कहाँ किया। एक सामान्य उदाहरण देता हूं, एक हमने यदि 2 लाख रुपए का कर्ज लिया और उसको अयासी के लिए हमने प्रयोग किया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है,
यदि 90 लाख करोड़ दिया आपने कर्ज लिया और उसको हम क्रिएटिव काम के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाते हैं, हम कैपिटल क्रिएशन के लिए लगाते हैं, तो वही चीजें हमारे लिए एसेट तैयार हो जाती है जो आप नहीं करते थे। यही कारण है कि कांग्रेस के जमाने में हिंदू जो ग्रोथ था उसको हिंदू ग्रोथ कहा जाता था, क्योंकि 3.6% से ज्यादा कभी ग्रोथ रेट हुआ ही नहीं भारत का। और उस पर जब वो आया भी तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से चीजें बदलना शुरू हुई है। पर आज आप तुकबंदी करते हैं कि बेच देना बेच देना। अरे आपने किसको नहीं बेचा भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल अंबानी तो इनके इनके मुलायम सिंह के सबसे बड़े कोटरियों में हुआ करते थे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं, लेकिन संगीत जी आपके पास आ रही हूँ मैं, जरा अखिलेश जी आपसे समझना चाह रही हूँ। भाई आप भी तो यात्रा कर ही रहे हैं ना, अब प्रधानमंत्री अगर रोड शो कर ले रहे हैं बीजेपी कार्यकारिणी से पहले, तो इसमें समस्या क्या है? इसमें इतने नाराजगी या इतनी शक कि देखिए डर गए इसलिए कर रहे हैं? डर क्या, आप जैसे आप अपने चुनावों के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, उसमें गलत क्या है? करें, लोगों को समझ में आ रहा है कि किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है। हम मूवमेंट करते हैं, ये इवेंट करते हैं, दोनों में फर्क ये है, इवेंट करते रहे। इवेंट से स्टूडियो में माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन इवेंट से देश का भला नहीं किया सकता है। ये गलतफहमी ना रखे, किसी भी समस्या का समाधान इवेंट कर देने से समाप्त हो जाएगा। वो ये जो पॉलिसी है बीजेपी का, आदरणीय मोदी जी की, करते रहे इवेंट, इवेंट करके तो देश को बर्बाद कर डाला। यहां बता रहे हैं कि कर्जा लेकर के काम किया गया है, कर्जा लेकर के खर्चे पूरे किए गए हैं। आदरणीय साहब जनाब, हम जल्दी खामखा भाई साहब मेरे मित्र हैं, इनका जवाब नहीं देता हूं लेकिन दे दे रहा हूं, अपने मित्रों का कर्जा माफ किया गया है। 14 लाख करोड़ मित्रों के माफ किए गए हैं, 10 लाख करोड़ एनपीए में डाल दिया गया है कर्जा लेकर के। कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया गया। इन्हीं की वेबसाइट है, एक दिन मैंने उसके प्रिंट आउट निकाल के आप ही के चैनल पर दिखा दिया, तब से वेबसाइट ही बंद हो गई है इनकी, कि कितने प्रोजेक्ट कितने लाख करोड़ के कितने डीले चल रहे हैं फंड की कमी से। पूरी बुकलेट है। 2018 में इन्हीं की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा था और इन्हीं की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जेटली जी ने, कि जब हमारा अमृत महोत्सव होगा उस समय ये 40 काम मेरे पूरे हो जाएंगे। आप लोगों को भी याद होगा मोदी जी के तमाम भाषण है, एक भाषण काफी मशहूर है, मैंने प्रण किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैंने सपना देखा है, पूरा करना है किसी भी कीमत में, हर हिंदुस्तानी के पास 2022 में एक पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, अभी मैं पूछ लूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, जल में एलईडी लाइट अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, गरीबी हटाओ नारा किसका था सर? जो है बता दीजिए, देश में एक भी गरीब नहीं है, तो ये डंके की चोट पे कह दे कि कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है। हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी, आपको दुरुस्त कर दूं, अब आपने आपने जवाब तो ले लीजिए। आप सरकारी आंकड़े हैं, अभी भी मौजूद हैं, मनमोहन सिंह की सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में वापस ला दिया। खुद इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं। जो आदमी सब कुछ बेच रहा है, महारत्न कंपनियां बेच रहा है, जहाज बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, ट्रेन बेच रहा है, रनवे बेच रहा है, ट्रैक बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, पर हाउस बेच रहा है, जो कुछ भी है वो बेच रहा है, ठीक है, फिर भी बड़ा काबिल है। ठीक है, मित्रों का कर्जा और उसको उपलब्धि त्रिपाठी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती कि आजादी के 7 दशक बाद हिंदुस्तान में फिल्म बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये इन्होंने हालत कर रखी थी कि माताओं बहनों के लिए घर में टॉयलेट तक नहीं होता था, गरीबों के घर में टॉयलेट तक नहीं होता था, ये कांग्रेस पार्टी ने कर रखा था। इनका अपना खुद का रोजगार में कुछ नहीं है, लेकिन गांधी परिवार की हैसियत बढ़ती चली गई, इनके वाड्रा जी, 2G 3G 4G 5G और वाड्रा जी जैसे लोग फलते फूलते चले गए और देश कहां जाता चला गया ये सबको पता है। आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बता रहे जो राग ये पीट रहे हैं वो राग ये 2014 से पीट रहे हैं, 2014 में पिटे, 2017 में पिटे, 2019 में पिटे, अभी 2022 में भी पिट पिटा के गए हैं, गुजरात और तमाम जगहों पर पिट पिटा के आए हैं, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। इनके जो युवराज थे, यही अखिलेश प्रताप जी लेके जाते थे अमेठी की जनता ने ऐसा धुतकार के भगाया कि सीधे वहां से वायनाड गए।
और अब इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक यूट्यूबर थी इनकी, अपनी पार्टी की यूट्यूबर, वो टॉयलेट तक दिखा रही थी कि राहुल गांधी जी कैसा टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी उनकी ट्रकें चल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी लॉरियां चल रही हैं। तो जो इवेंट मैनेजमेंट है इसके आप मास्टर होंगे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से खदेड़ के वायनाड पहुंचाया। इस बार आपके लिए रायबरेली बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं वो देश देख रहा है। आप वो है कि जब चाइना से हमारे जवान लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे होते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा, आप कोई प्रधानमंत्री के शलम रवि त्रिपाठी आ रहे हो, आपको क्या लग रहा है ये जो प्रधानमंत्री की रैली हुई ये आपको भी इवेंट लग रहा है? अर्पिता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू हुई थी तो उन्होंने एक जनधन खाता नाम का योजना चलाया। आज हालत यह है कि उस जनधन के जन के खाते में रुपया नहीं है। प्रधानमंत्री की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है वो खुद दावा करती है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने को विवश है। तो आखिर उनकी माली हालत ऐसी कैसी हो गई कि 80 करोड़ लोगों के पास अपना राशन खरीदने का पैसा नहीं है? वो प्रधानमंत्री रोड पर आकर क्या दिखाना चाह रहे थे? जिस देश में गैस सिलेंडर का दाम 10 से ज्यादा बार बढ़ चुका है, रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता रहता है, सब्जियों का जब दाम आसमान छूता हो, उस देश की आर्थिक स्थिति पर गौरवान्वित करने का मौका इस प्रधानमंत्री जी को कैसे अवसर हाथ लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो उस बैठक के बहाने रोड पे निकल पड़ते हैं? आखिर ऐसी कौन सी घबराहट भी आई कि उनको सड़कों पर आना पड़ा है? कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि देश में जो विपक्षी एकता का एक चीज मैं आपसे चलते चलते ये समझ लेना चाह रही हूँ, नीतीश कुमार के सामने ऐसा क्या संकट आया कि उनको जनता के बीच उतरना पड़ा? सर नीतीश कुमार समाधान यात्रा हमेशा यात्रा करते रहे बिहार में, वो सभी प्रोजेक्ट और विकास कार्यों की प्रधानमंत्री ने कभी रोड शो नहीं की, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी रोड शो आपने नहीं देखी होगी। एक मिनट रुक जाइए, हो गई, आपने पूछ लिया, मैं आ जाता हूँ जवाब पर। माननीय मुख्यमंत्री 2005 से कई यात्रा करते रहे, बिहार के विकास कार्यों की रूपरेखा खुद से जाकर समीक्षा करते रहे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने आज रोड शो किया है वो विकास कार्यों की समीक्षा है? आप उस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे जिसके गैस सिलेंडर का दाम इस देश में 10 बार बढ़ चुका? ठीक है, आप उसको क्या जवाब देंगे जिनके दाल और तेल का रेट बढ़ चुका 80 करोड़? उन सवाल ये बार बार उठते हैं और हर विपक्षी दल ये सवाल उठाता है कि आप रोड शो तो करते हैं लेकिन जनता के बीच आप नहीं जा रहे, उनसे समस्या नहीं जान रहे। खुद प्रधानमंत्री के लेवल पर जब आप ये कहते हैं कि हम जनता से कनेक्ट करते हैं, जहां पेट्रोल डीजल के दाम, वो महिलाएं जो सिलेंडर के दाम बढ़ने से परेशान हैं, उनके बीच क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अर्पिता जी, मुझे लगता है कि कुंठित लोग ऐसा कहते हैं कि हम जनता के बीच में नहीं जाते, हम तो जनता के बीच में बार बार जाते हैं और जनता हमारी पीठ ठोक कर भेजती है कि जाओ गद्दारों से लड़ो, जाओ इस देश के दुश्मनों से लड़ो, इस देश की माटी खा के जो इस देश को बेच रहे हैं उनसे लड़ो, और प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमने राशन दिया, हाँ बिल्कुल राशन दिया, गरीबों को राशन देने पे आपको दिक्कत आ रही है? कोरोना काल के दौरान किस तरह लोग परेशान थे? देखिए आपने बिहार को जंगल राज बनाइए, आज तक के स्टूडियो को जंगल राज मत बनाइए, आज तक के स्टूडियो को जंगल राज, दोनों की आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी सर प्लीज। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, और शलभ मणि त्रिपाठी मैं पहले अपने सवाल का जवाब चाहूंगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, ये बिहार, एक सेकंड सर, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन आप लोग प्रवक्ता है, पक्ष रखने आए हैं, यहाँ दंगल करने थोड़ी आए हैं सर, रुकिए जरा, रुक जाइए सर, सर मुझे आप दोनों की आवाज फिर बंद करनी पड़ेगी, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, ठीक है आप दोनों की जरा आवाज बंद कीजिए। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, संगीत जी शांत हो जाइए, फिर शलभ जी आपसे मेरा सवाल होगा इसके बाद। संगीत रागी, देखिए अभी अभी एक बंधु बोल रहे थे कि 80 करोड़ लोग खाना देने के लिए उनको विवश हैं, विवश नहीं है मित्र, उनके बारे में ये कहा गया कि कोविड के बाल में एक ऐसी आपात स्थिति आई है, उस जो प्रोग्राम को भारत सरकार ने शुरू किया था उसको अभी तक कंटिन्यू किया है। कांग्रेस जमाने में तो श्रीमान राहुल गांधी कहते थे कि गरीबी नाम की कोई चीज होती नहीं, गरीबी तो एक माइंडसेट का मामला है, और उन्होंने गरीबी का निर्धारण भी कर दिया था, जिसको 26 रुपए प्रतिदिन आय होती है वो गरीब आदमी नहीं माना जाता था।
एक और बात, जब आप हमेशा ये कहते हैं कि ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि अनपढ़ों जैसा डिबेट हो जाता है। जब आप ये भाषा कोई शिक्षित भाषा नहीं हो सकती है कि तेल ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, राजनीतिक लप्पेबाजी के लिए और जुगलबंदी के लिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मूल प्रश्न पर हम आते हैं। बिहार का जरा ले लीजिए, वहां की शिक्षा की दुर्दशा कैसी है? यदि बिहार में इतनी ही सारी अच्छी होती है तो इतने माइग्रेट करके मुंबई, दिल्ली, कैलकटा क्यों भागते होते हैं? एक समय था जब प्रेमचंद के समय जितना नायक होता था यहाँ से भाग करके कलकत्ता जाता था, क्योंकि कलकत्ता इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज के दिन में कोई माइग्रेट करके बिहार क्यों नहीं जाता है? बिहार की दुर्दशा आपने बना रखी है। लालू राज ने बिहार का कूड़ा किया और नीतीश से एक उम्मीद थी, लेकिन नीतीश उसी गंदे जातीय राजनीति के पनाले में बह गए। आज के दिन में बिहार के अंदर यदि शिक्षा व्यवस्था के हम हालत देते तो इससे ज्यादा कूड़ा करकट तो और कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन संगीत राजनीति बिहार पर डिबेट नहीं है। सुनिए, सवाल आप नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर उठाते हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश के साथ बीजेपी भी साथ में थी, बीजेपी भी साथ में थी सर। कुछ भी बोलते सुनिए ना, मैं इस देश का नागरिक हूँ और नीतीश कुमार के लिए बोलने के बिल्कुल समझना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये पूरी एक सेकेंड संगीत रागी चलिए आपसे जवाब ले लेती हूँ पहले सत्य प्रकाश मिश्रा जी। ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है संगीत राजी मुझे 10 सेकंड दीजिए। सत्य प्रकाश जी, आर्य शोला मणि त्रिपाठी जल्दी से लगातार सत्य प्रकाश मिश्र बिहार सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बना रहा है। अरे अरे इसको 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 बंद कराइए, इसको बंद करके संगीत रागी जी, संगीत रागी, ये दो अभद्र व्यक्तियों को बंद कराइए प्लीज। बंदर के बारे में बोले सर, ये कोई इस तरीके से डिबेट नहीं चल पाएगी ना संगीत रागी जी। बंद कराइए। और सत्य प्रकाश जी, जब आप ये उम्मीद करते हैं कि आप बोले और दूसरा ना बोले, तो जब दूसरा बोल रहा है तो हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ना बोले। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए बिहार हमेशा लगातार सर्वाधिक विकास इसको आप अगर उनका नहीं मैं अपनी बारी में सर, एक सेकेंड ठीक है वो साथ छोड़कर चली है, इसकी नाराजगी होगी लेकिन डिबेट में मत निकालिए ना। एक सेकेंड शलभ मणि त्रिपाठी आवाज सब कुछ जल्दी सत्य प्रकाश जी, ठीक है सत्य प्रकाश जी। देखिए अर्पिता जी, बिहार बिहार सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य लगातार बना हुआ है। आंकड़े जो आप 3 नंबर कर बता रहे थे वो बिहार 1 नंबर पे 11.1% का, 0.1। पॉइंट टू, मैंने जो कहा था कि 80 करोड़ लोग जिस राष्ट्र के अगर सरकारी भोजन को लेने को विवश हैं, इसका मतलब है कि उस देश की आर्थिक माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये गर्व करने का विषय नहीं है कि हम 80 करोड़ को बांट करके खाना खिला रहे हैं, गर्व का विषय नहीं है। दूसरा, आप चुप रहिए, बिहार बिहार पर डिबेट बिहार पर डिबेट कर लेंगे। बिहार 11.3% सर्वाधिक विकास दर है, गुजरात 12वें नंबर पर है। बिहार आप सभी को संगीत रागी सत्य प्रकाश मिश्रा शलभ मणि त्रिपाठी अखिलेश जी, देखिए आशुतोष जी यहाँ पैनल में सब है सर, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही तूतू मैं करना है तो आप ये बता दीजिए सर, स्काइप पर आप लोग जुड़े हुए सर, सर दिक्कत होती है, आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही, मोटिव यही है कि चीजें समझ में आए सर। सत्य प्रकाश मिश्रा जी आप अकेले ही अपना बोल रहे हैं, आपको सुनना ही नहीं है मतलब। शलभ मणि त्रिपाठी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अभी कोई नहीं बोलेगा प्लीज सर। शलभ मणि त्रिपाठी नहीं, देखिए बिहार के भीतर ये कहते हैं, अभी संगीत रागी जी को बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, किसने कहा कि नीतीश कुमार जी शिखंडी है? क्या भाजपा के लोग हैं? आरजेडी के एमएलए है सुधाकर सिंह, आपकी हैसियत है बोल पाइए? पूरे आरजेडी को आपने बिहार के भीतर आतंकवाद, ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी आरोप पलटवार से ऊपर उठते हैं सर, ठीक है पलटवार नहीं, नहीं वो छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए 405 का जो आंकड़ा आप दे रहे हैं कि 405 जो है आप लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे सर लोकसभा में? जैसे लेके आए हैं, जैसे लेके आए हैं 2014 में जितनी नीतीश जी तो चले गए आपको छोड़कर, हिमाचल प्रदेश आप हार गए, कितनी जगह पर आपकी सरकार है, राज्यों से ही तो एक आप केंद्र तक पहुंचेंगे सर, वो रास्ते आपको दिख रहे हैं उतने खुले हैं जिससे आप दिल्ली की गति पे पहुंच।
बहुत से लोगों को छोड़ के जाते हैं। 2024 का जो चुनाव होगा इस देश में वफादार बनाम देश के गद्दार होगा। जो लोग धारा 370 के साथ खड़े थे देश की जनता क्योंकि आप एक बात बताइए, आपकी जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है इसमें क्या थीम है सर? नहीं देखिए, इसमें गद्दार है क्या, देशभक्त गद्दार है क्या, ये थीम है क्या? आप चाहती है मैं बोलूं? मैं चाहती हूं सर, लेकिन आप ऐसे नहीं सर, ये गद्दार और देशभक्त, आप थीम पर बात कीजिए ना। भाजपा का प्रवक्ता मैं हूं, आप चाहती जो आप चाहती हूं मैं बोलूं, मैं क्यों बोलूंगा? मुझे बोलने दीजिए मेरी बात, और आप बाकी लोगों को नहीं रोकती, आप मुझे रोक रही हैं बार बार। सवाल पूछ रही हूं, थीम क्या है बीजेपी की, छह थीम सर? मैं कह तो रहा हूं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इस देश के लोगों ने देखा है जब हमारे देश के जवान चाइना के सैनिकों की पिटाई कर रहे थे, थीम आपको पता है कि नहीं? बहुत बड़ी पार्टी का नेता सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो छह थीम है सर, सर बहुत बहुत विनम्रता से सुनिए, जो छह थीम है सर वो थीम पता है कि नहीं आपको? मुझे सब पता है। हाँ, वो जानना सब पता है सर, आपको सब पता है, तभी तो ये सवाल मैंने पूछा, नहीं आपसे जानना चाह रही हूँ मैं। आप तो वो टीवी पे चला रही है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि इस देश में चुनाव होगा, वो तो आप छह थीम चला रही हैं। आपसे सुनना चाह रही हूँ, अभी आप फिर कह रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ मैं बताऊंगा, भाई आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, तो आप बताइए मुझे छह थीम। तो मुझे बताने दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी की बात, मैं छह थीम में सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये छह थीम जरा मुझे बताइए, मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ सर। मैं कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से हमने पूरी ताकत के साथ पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया है, आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाली परिस्थिति में इस देश में हम संगठन को अपने कैसे मजबूत करें, हमारे कार्यकर्ता कितनी मजबूती से ग्राउंड पे जाएं, और कैसे तमाम ऐसे दल जिन्होंने इस देश के खिलाफ लगातार काम किया है, जब चाइना के सैनिकों को हमारे सैनिक पीट रहे थे, तब इस देश के पार्टी के बड़े नेता सर ये जो थीम है ना, नहीं सर मैं समझ गई, आप सर ऐसा नहीं है ना शलभ मणि त्रिपाठी कि आप जो सोच के आए सर वही जवाब देंगे, सर सवाल का जवाब होता है, केवल जवाब जवाब नहीं होता है, ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी ये कांग्रेस को परेशान होना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रही है? परेशान राहुल गांधी पे मैं अटैक करता हूं, अगर आपको परेशान लगना लग रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं लग रही है, आप मुझे टोक रही हैं, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप गद्दार वर्सेस देशभक्त वाली बात कर रहे हैं जो कि आपकी थीम में नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी मुझे ये बताइए, बीजेपी की थीम में समावेशी सशक्त भारत है, जब ये उनकी थीम है तो आपको क्यों लगता है कि वो नफरत फैला रहे हैं? देखिए वो तो अभी डिबेट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपा खोए हैं हमारे मित्र बीजेपी के साथी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, आठ बार दोहराया इन्होंने गद्दार गद्दार पार्टी और गद्दार, जो इनसे प्रश्न कर दे, जो इनसे असहमत हो जाए, जो इनसे मत भिन्न हो जाए वो गद्दार है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सल है, वो चीनी है, वो आतंकवादी है। लोकतंत्र विचारों का अनेकता में एकता, मत भिन्नता में एकता, यही लोकतंत्र है। अगर कहीं विचार भिन्न नहीं है तो वहां लोकतंत्र नहीं है, और यह संवैधानिक अधिकार और दायित्व तो है, लेकिन देखिए पूरे भाषण में बौखला करके कोई उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ गद्दार गद्दार गद्दार। ठीक है, एक चीज तो ये जो माइंड सेट है ना, क्योंकि अगर किसी के पास अपनी कोई उपलब्धि होती है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, जैसे बीजेपी ने 161 सीटें चिन्हित की हैं, जहां जहां वो पीछे रह गए, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के अलावा क्या आपने भी ऐसी चिन्हित की हैं कुछ सीटें जो आप बता पाए, कौन सी वो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है? और आप समय दीजिएगा, देखिए मैं जो कहने जा रहा था वो अब कहने जा रहा हूं। देखिए आज बीजेपी के पास कोई भी ऐसा दल नहीं है जो चिमटे से भी मोदी जी की बीजेपी को छूना चाहता हो, जो इनके ट्रेडिशनल एलायंस थे उनको उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो सबको ये मारना चाहते थे। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सब लोग अगेंस्ट बीजेपी हैं, कांग्रेस के साथ हैं, हम लोग साथ कैसा मत भिन्न है, सवाल अखिलेश जी हमारे विपक्ष के साथ ही, लेकिन मन भिन्न कोई नहीं है, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अरे मैं आपको सवाल ही आ रहा है, नहीं जाने दीजिए ना, गठबंधन में नहीं आने वाली है सर, ये आप कह रहे हैं ना, चलिए उनके साथ नहीं, लेकिन आपके साथ भी तो नहीं है सर, सुनती नहीं बात को, चक्कर ये कि थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तब समझ में आएगा। मैंने कहा हम लोग मत भिन्न है, मन भिन्न नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं है लेकिन हमारे साथ हैं,
शुभकामना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जो व्यक्ति या जो लोग यात्रा में चले जा रहे हैं उनके घर पर सुबह सीबीआई और ईडी पहुंच जा रही है। शुभकामनाओं से सरकार बना लीजिएगा क्या? बीजेपी 150 सीट मोदी जी, सुनिए सुनिए, अरे यार बड़ी समस्या है, थोड़ा सुन लेंगे तो सब सवाल का जवाब मिलेगा। मैं एक ही बार में सब सुन लेता हूं। और पिताजी, बीजेपी 150 से अधिक सीट नहीं पाने वाली है, क्योंकि सब जगह बीजेपी अपने मैक्सिमम पे है। अब उसे घटना है, घटना है, और कहीं कुछ नहीं है बीजेपी का। सवाल पूछिए वही जवाब देना है, फिर कहना है सुना नहीं जाता। सर वो नहीं सुनना है जो आप सुनाना चाह रहे हैं, मेरे एक सवाल है उनका जवाब सुनना चाह रही हूँ, जिसपे जवाब आपके पास भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं दे रही है। अभी जब वो नहीं दे रहे तो आप कह रहे हैं कि देखिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं सर? स्पेसिफिक सवाल है, बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ केजरीवाल और केसीआर कुशीनगर में क्यों नहीं बुलाया? हम अरे मैं सबको क्यों बुलाऊं? अभी तक जितने लोग को बुलाया है, सब साथ नहीं है ना? आप उनको नहीं बुलाया, ये हमारा कोई राजनीतिक बात नहीं है सर, हमारा ये कोई राजनीतिक गठबंधन की रैली नहीं है। अब सुनिए फिर वही बात, ठीक है, सुन लेंगे। प्रकाश जी, आपका जल्दी से आखिरी कमेंट भी लेना चाहूंगी। अर्पिता जी, अब ये हमारा राजनीतिक गठबंधन यात्रा नहीं है, ये हमारा राजनीतिक गठबंधन यात्रा नहीं है, ये गैर राजनीतिक यात्रा है। अखिलेश जी, आपकी आवाज देखिए। आशुतोष वर्मा जी, अर्पिता जी, देश एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी से गुजर रहा है, जहां विपक्ष की राजनीति एकजुट होने इसलिए जा रही है क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या हुई है। पॉइंट वन, इतनी भीषण बेरोजगारी और महंगाई देश ने पहले कभी नहीं देखा। इन दो मुद्दों पर देश का विपक्ष जरूर एक होगा, क्योंकि विपक्ष के करीब करीब दल भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। इंतजार करिए विपक्ष की एकजुटता के बाद। ये 303 का वो उनका जो आंकड़ा पिछली बार क्रॉस हुआ था, उसमें 50 सीट घटा देंगे, बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है दोबारा। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी को करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में वहां पर एक मैनपुरी में जिस तरीके से ये गच्चा खाए, और खतौली जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन्होंने वापस खींच लिए। हम जीत तो रामपुर भी गए थे, लेकिन इनके जिस तरीके से रामपुर में इन्होंने किया है वो दुनिया जानती है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रदेश नहीं बचा पाए और उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए वाकई परेशानी है। और आज की डेट में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, ठीक है, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सबको एक पास साथ में अड़ना पड़ेगा, ठीक है। संगीत जी, देखिए अखिलेश जी ने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 40वां और 42वां संविधान संशोधन, वो सब तो लोकतंत्र को मारने के लिए ही किया गया था साहब। ऐसी दुर्दशा तो इस देश ने कभी नहीं देखी थी। सबको कहा जाता है इस देश का चाहे जो कुछ भी है, कमोबेश लोकतंत्र जिंदा रहा है। एक ही बार इस देश के लोकतंत्र को मारा गया, और पूरी तरीके से मारा गया, लंगड़ा करने की कोशिश की, और वो श्रीमती गांधी के काल में थी, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ तो कोई फिल्म बन जाती थी, कोई गायक कुछ गा देता था उसके खिलाफ, उसको 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 सेंसर बोर्ड में से